back with a new video that is on the MI, myocardial infarction. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो हार्ट फेलियर के ऊपर बनाई थी, जो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर जो कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। मैंने उस कंफ्यूजन को एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा क्या नाम है दूर करने की कोशिश की है। तो एक किसी को कंफ्यूजन आपको तो आप प्लीज वो वीडियो देखना। और आज शुरू करते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट डिजीज है। एज ए पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, या तो MI के अंदर या फिर हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज अपन MI के अंदर यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, जो आपको सही लगे और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, कैसे इसकी डिजीज होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो, मायोकार्डियम एक लेयर होती है सर, जो सराउंड करती है अपने हार्ट को। उसके अंदर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है एक लंबे समय तक, जो उसको इरिवर्सिबल चेंजेस कर देती है, नेक्रोसिस कर देती है, उसकी वजह से जो कंडीशन कॉम्प्लिकेशन होने वाला होता है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। अब इसको सिर्फ खाली एक ये मॉर्फिन नाम की ट्रिक है, इसके द्वारा आप याद रख लेना, इसके अंदर पूरी डिजीज कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपने पास में M होता है, M स्टैंड फॉर सर मायोकार्डियम, ठीक है सर, मायोकार्डियम होता है अपने पास में। मायोकार्डियम के बाद में सर, मायोकार्डियम के अंदर O स्टैंड फॉर सर ऑक्सीजन, यानी कि सर अपने पास में मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना, दैट विल फर्दर लीड टू द इरिवर्सिबल चेंजेस इन टू द मायोकार्डियल मसल्स, ठीक है। वो होता है क्या नाम सर, मायोकार्डियम प्रोसेस में सर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना। अच्छा, देन उसके बाद में क्या नाम सर, रेस्पिरेटरी इनहिबिशन हो जाती है सर, यानी कि क्या नाम सर, रेस्पिरेटरी चेंजेस कर देता है। कैसे चेंज कर देता है सर, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, किसके अंदर हो गई है सर, मायोकार्डियल मसल्स के अंदर हो गई है। उसकी वजह से अपने पास में कंपनसेटरी मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी लंग्स काम करेंगे, रेस्पिरेटरी लंग्स काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे सर, लंबे लंबे सांस ले जाएंगे, हाइपरवेंटिलेशन स्टेट आ जाएगी पेशेंट की, और हाइपरवेंटिलेशन स्टेट हो जाएगी किसकी वजह से आई है सर, MI की वजह से आई है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से आई है। तो सर रेस्पिरेटरी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में क्या नाम है सर अपने पास में, पी, यानी कि क्या नाम सर, पेन होगा सर, सीवियर पेन होगा अपने पास में। कैसा पेन पाएगा सर अपने पास में, सर सीवियर पेन पाया जाएगा, ठीक है। सर एच स्टैंड फॉर सर हाइपरटेंशन, यानी कि सर बीपी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, या फिर अपने पास में सर और कॉम्प्लिकेशंस देखने में मिल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है सर। तो सर MI हो जाता है अपने पास में, तो हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है सर। हाइपरटेंशन किस वजह से होगा सर, जब अपने पास में लंबे लंबे सांस लेगा सर, रेस्पिरेटरी चेंजेस आएंगे, रेस्पिरेटरी चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से क्या नाम सर, हाइपरटेंशन स्टेज हो जाएगी सर, सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा, दैट विल कंडीशन लीड टू द हाइपरटेंशन। देन उसके बाद में क्या नाम है सर, आई, इसको एक बार ये याद रख लेना। देन उसके बाद में सर जो अपने पास में स्टेट आती है वो होती है सर अपने पास में सर आई, यानी कि सर ये क्या कर देता है सर, इनहिबिट कर देता है अपने पास में, किसको इनहिबिट कर देता है सर, नहीं सर ये इन्फार्क्शन करता है, ठीक है। क्या इन्फार्क्शन करता है, देखो वही बात मैंने आपको बताई कि सर अगर अपने पास में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या नाम है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर अगर कोई भी ओकुलेशन आ जाता है, कोई इम्बोलिज्म आ जाता है, कोई थ्रोम्बोसिस आ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लीड टू द इन्फार्क्शन हो जाएगा। इन्फार्क्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से आगे जाके क्या करेगा सर, नेक्रोसिस कर देगा, जो कि अपने पास में अगले वाला पॉइंट होता है, क्या कर देगा सर, नेक्रोसिस कर देगा, ठीक है, नेक्रोसिस हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले जो प्री स्टेट होती है वो होती है सर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हो जाती है। देन इसके अलावा फिर होती है कोई भी टिश्यू के अंदर कम हो जाना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है उसको हाइपोक्जीमिया कहते हैं, एंड अगर टिश्यू के अंदर कमी होती है अपने पास में ब्लड की तो हाइपोक्सिया कहा जाता है। देन उसके बाद में ये प्री स्टेट होती है, किसकी स्टेट प्री होती है सर, अपने पास में स्टेट होती है क्या नाम है सर, इस्चीमिया की, पहले हाइपोक्सिया होगा फिर इस्चीमिया होगा, फिर इस्चीमिया के बाद फिर सर नेक्रोसिस होगा। सर ये दोनों आखिरी कंडीशन होती है सर, वो इरिवर्सिबल स्टेट होती है, आपको कभी भी इसको ठीक नहीं किया जा सकता, अगर एक बार कंडीशन होगी तो गैंग्रीन होगा और देन फिर उसके बाद में उस पार्ट को या फिर उस ऑर्गन को या फिर बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास में क्या नाम सर, इन्फार्क्शन होता है सर, इन्फार्क्शन के बाद में क्या नाम सर, नेक्रोसिस होने लग जाता है, किसका नेक्रोसिस होने लग जाता है सर, मायोकार्डियल मसल्स का नेक्रोसिस होने लग जाता है, ठीक है। अब यहां तक तो सर आपने मेरे को बता दिया कि सर ये तो बहुत आसान है सर, सर मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से सर रेस्पिरेटरी चेंजेस आने लग जाते हैं सर, जिसकी वजह से क्या नाम सर, सीवियर पेन आता है सर, बहुत सीवियर पेन होता है सर, ठीक नहीं किया जाता सर 30 मिनट तक,
होता क्या है कि क्या नाम सर, जो अपने पास में पेन होता है ना सर, एंजाइना पेक्टोरिस नाम की सर एक सीवियर चेस्ट पेन होता है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है एक बार ये भी है, लगे हैंड बता देता हूँ, क्योंकि ये जो प्री स्टेट होती है एमआई की, तो सर इसके अंदर जब छाती के अंदर दर्द उठता है जो देसी भाषा में बोला जाता है, या फिर अपने पास में सर चेस्ट पेन होता है, क्यों पेन होता है सर, जब एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट पहुंचती नहीं है मायोकार्डियल मसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो इंटरल्यूकिन आते हैं, ब्रेडिकाइनिन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के सर केमिकल मीडिएटर्स होते हैं सर, जो रिलीज होते हैं, जिसके द्वारा क्या नाम है सर सीवियर पेन होता है, उस पेन को वजह से जो चेस्ट पेन होता है उसको सर एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। ये पेन सर अपने पास में थोड़े समय के लिए होते हैं, 5 से 15 मिनट के लिए होता है, ठीक है सर। जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है सर वो 5 to 15 मिनट्स होता है अपने पास में, और सर ये नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा सर रिलीव किया जा सकता है सर, ठीक है, किसके द्वारा सही किया जा सकता है, क्या नाम सर, नाइट्रोग्लिसरीन होता है इसके द्वारा इसको सर सही किया जा सकता है सर, हो भी जाता है, ठीक है, इमरजेंसी के अंदर। और अगर क्या नाम सर एम आई हो रही है तो सर यानी कि क्या नाम सर नेक्रोसिस हो रहा है सर मायोकार्डियल के अंदर सर, मैक्सिमम 30 मिनट तक अपने पास में क्या नाम सर पेन होता है, और सर आप कितनी भी नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं शुरुआत में सर सही नहीं होगा, कितनी भी ऑक्सीजन डिलीवर करना स्टार्टिंग के अंदर सर सही नहीं होगा, तो पहले अपने पास में क्या नाम इसके अंदर इसका मैनेजमेंट के अंदर मैं इसको बताऊंगा कि कैसे इसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट तक इसका सर जो ग्रेटर देन 30 मिनट यानी आधे घंटे से ज्यादा सर जो पेन होता है अपने चेस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं सर, वो आते हैं इसके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स ये हो गया, देन आखिरी के अंदर सर जो एन फॉर नेक्रोसिस हो जाती है सर, आखिरी के अंदर आते हैं सर ईसीजी, यानी कि सर ईसीजी चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो सर ईसीजी चेंजेस नहीं पता सर, आप मेरे को ईसीजी बता दो कि सर ये कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे इसको सर पता चलाया जा सकता है, तो मैं आपको इसके पास ये सारा लिख लिया होगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। एम स्टैंड्स फॉर मायोकार्डियल, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना मायोकार्डियम के अंदर जो रेस्पिरेटरी चेंजेस कर देती है, आर स्टैंड फॉर जिसकी वजह से सर सीवियर पेन होता है, पी स्टैंड फॉर सीवियर पेन होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है यानी कि सर बीपी बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है कि टेंशन में रहेगा तो, एंड देन उसके बाद में क्या नाम है सर आई, आई स्टैंड फॉर क्या नाम है सर इन्फार्क्शन हो जाएगा, ठीक है। इन्फार्क्शन के बाद में क्या नाम सर नेक्रोसिस होता है सर, सभी को पता है सर हाइपोक्सिया, फिर इस्चीमिया, फिर नेक्रोसिस, फिर गैंग्रीन, और फिर वो कॉम्प्लिकेशन ऑर्गन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद में क्या नाम सर ईसीजी चेंजेस आएंगे सर, ई स्टैंड फॉर ईसीजी आएंगे। अब आप सर मेरे को बताओ कि सर ईसीजी चेंजेस कैसे आएंगे, कैसे इसको सर ट्रीट किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, तो मैं आपको ईसीजी के बताऊंगा कि ये कैसे कैसे इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। आप लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ जाने वाला है हर दूसरे एग्जाम के अंदर, इसकी इसी चीज के चेंजेस आता है कि सर कैसे कैसे सीन होता है, ठीक है। तो सर अपने पास में सर ईसीजी चेंजेस आते हैं वो होते हैं क्या नाम सर, एसटी एलिवेटेड हो जाता है अपने पास में, ठीक है सर, एसटी एलिवेशन हो जाता है सर, टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है, और सर अपने पास में सर क्यू वेव एबनॉर्मल हो जाती है अपने पास में सर, क्यू वेव होती है सर वो एबनॉर्मल हो जाती है अपने पास में, ठीक है। तो सर ये होता है अपने पास में इसके अंदर चेंजेस होते हैं सर, ये चेंजेस होते हैं ना सर एसटी एलिवेटेड। देखो पूरी एंजाइना पेक्टोरिस होती है ना उसके अंदर तो खाली अपने पास में क्या नाम है सर एसटी डिप्रेशन होता है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है जो होता है सर वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस, जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाजम हो जाता है, उसके अंदर एसटी एलिवेटेड होता है। तो याद रखना ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैं इसके साथ में एक पॉइंट और क्लियर कर रहा हूं तो जो कि आपको आगे जाके कहीं ना कहीं कंफर्म आएगा एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसको जरूर लिख लेना कि सर वेरिएंट एंजाइना के अंदर अपने पास में क्या नाम है सर एसटी एलिवेटेड देखने को मिलता है, ठीक है, सेम टू सेम एमआई की तरह, ठीक है, एसटी एलिवेशन होता है। बाकी जितने भी अदर एंजाइना फैक्टर्स होती है सर, जैसे क्या नाम सर इंट्रैक्टेबल हो जाती है, या फिर इसके अलावा क्या नाम है सर और अदर जो क्या नाम है नोक्चुरल हो जाती है, या फिर स्टेबल अनस्टेबल, सारी एंजाइना के अंदर सर एसटी डिप्रेशन हो जाता है, खाली वेरिएंट के अंदर एलिवेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि भाई क्या नाम सर एसटी क्यू वेव एबनॉर्मल हो जाती है, टी वेव का इन्वर्जन होता है, एसटी एलिवेटेड हो जाती है, ठीक है। इसको अगर आप डायग्राम के अंदर बना के देखेंगे तो ये होगा कि भाई क्या नाम सर एसटी सर देखो नॉर्मल होता है क्या नाम सर पास में सर, ये होता है सर पी, फिर ये क्यू, फिर आर एस, और फिर ये होता है सर टी, और ये होते हैं सर पी क्यू आर एस टी, ये होती है सर नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। और सर एमआई के अंदर सो ईसीजी देखने को मिलती है सर, वो होती है सर अपने पास में सर पी वेव होती है सर हल्की सी, और फिर अपने पास में सर क्यू वेव एबनॉर्मल हो जाती है, किसी भी शेप की हो सकती है, या फिर ऐसी हो जाती है डायलेट हो जाती है, और सर टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। और क्या नाम सर पास में सर ये एसटी एलिवेटेड पाया जाती है, यानी कि क्या नाम सर पास में सर जो एसटी सेगमेंट होता है अपने पास में सर ये एलिवेटेड हो जाता है अपने पास में, ठीक है, और लंबे समय तक पाया जाता है ये एसटी, और अपने पास में क्या नाम सर ये सेगमेंट अपने पास में क्या नाम सर एलिवेटेड होता है सर, ये टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है, और क्या नाम सर पी क्यू और आर, और ये अपने पास में एस होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या नाम सर एबनॉर्मल हो जाता है, एमआई की सर ईसीजी ऐसे होती है, ठीक है। देन फिर उसके बाद में क्या नाम है सर अपने पास में इसका मैनेजमेंट आता है,
मैनेजमेंट भी सर बड़ा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है, इसका बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है हर दूसरे एग्जाम के अंदर। मैंने जितनी भी एग्जाम्स दी ना, हर सेकंड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एक पेशेंट आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर आप आते के साथ में एमआई से रिलेटेड सफर कर रहा है, तो क्या मैनेज करोगे, किसके द्वारा उसको क्या नाम है रिलीफ मिल सकता है मैक्सिमम स्टार्टिंग के अंदर। तो सर उसकी भी एक सीक्वेंस होता है, ऐसा नहीं कि सर कुछ भी जाके अपन उसको कर देंगे, सबसे पहले उसका सिस्टमेटिक वे से सर मैनेज किया जाता है। तो व्हाट इज दैट मैनेजमेंट, आई विल टेल यू कि दैट इज सर ट्रीटमेंट होता है सर, आप खाली एक लाइन याद रख लेना, दिस इज ओनली द ट्रिक दैट कैन सॉल्व योर कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट होगा एमआई, ठीक है। तो सर वो होता है सर अपने पास में, सबसे पहले होता है क्या नाम सर, मोनाटास नाम से अपने पास में क्या नाम से इसका ट्रीटमेंट होता है सर, MONTAS। बस खाली आपको ये याद रखने की जरूरत है, अगर आपने ये याद रख लिया, एक तो सर मॉर्फिन याद रख लेना, मॉर्फिन के अंदर तो सर उसकी पूरी डेफिनेशन याद आ गई, और अगर आप क्या नाम है खाली अगर मोनाटास नाम से आप इसकी पूरी लिखोगे तो सर इसकी पूरी की पूरी क्या नाम है इसका मैनेजमेंट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नाम है सर, पेशेंट आता है कोई भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, एमआई का है, हार्ट अटैक आ चुका है, वो मरने वाला है, उसको टेंशन हो रही है, तो सबसे पहले आते के साथ में आप क्या करोगे, रेस्टलेसनेस कंडीशन के अंदर है, तो सबसे पहले अपने पास में क्या नाम सर मॉर्फिन दी जाएगी, क्या दिया जाएगा भाई, क्या नाम है मॉर्फिन देगी सर, आप उसको कितने भी ऑक्सीजन देगा शुरुआत में सर ठीक नहीं होगा सर, आपको खुद हाइपरवेंटिलेट होता रहेगा सर ठीक नहीं होगा, या फिर अपने पास उसके अंदर आते के साथ में सर आप और कोई ड्रग दे देगा सर पेन किलर देना नॉर्मल सर ठीक नहीं होगा सर, जो उसके पेन को ठीक कर सकती है, जो रिलीव कर सकती है, दैट ड्रग इज नोन एज मॉर्फिन। तो सर ये मॉर्फिन होती है ओपियम की एक्सट्रैक्ट होती है, इसको द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, सबसे पहले आते हैं सर मॉर्फिन देंगे, देन फिर उसके बाद में क्या नाम सर ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज ऑक्सीजन, ठीक है। लेटेस्ट लास्ट इसी के सेम्स के अंदर भी ये आया था, जीएमसीएच चंडीगढ़ के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो मैंने दिए थे, एंड देन उसके बाद में क्या नाम है ऑक्सीजन मॉर्फिन हो गया सर, देन उसके बाद में सर ऑक्सीजन होगा, दोनों ऑप्शन होंगे सर उस क्वेश्चन के अंदर, एक एस्प्रिन नाम का भी ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले आपको मॉर्फिन होना है, अगर मॉर्फिन नहीं है तो सर ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या नाम है सर एस्प्रिन देखना है, तो वो फर्दर होता है, लेकिन ये दोनों कंफर्म पाएंगे ही पाएंगे, ठीक है। तो सर मॉर्फिन आ जाता है, देन फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आ जाता है, तीसरे नंबर पे सर नाइट्रोग्लिसरीन आता है, ठीक है सर, नाइट्रोग्लिसरीन दी जा सकती है सर, जो कोरोनरी आर्टरी को डायरेक्ट करके सर उसको हेल्प करेगी प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करने के अंदर, ठीक है, किसके अंदर मायोकार्डियल मसल्स के अंदर। देन चौथे नंबर पे सर एस्पिरिन आ जाती है, एस्पिरिन क्या होती है, नाम सर पास में सर एस्पिरिन सर एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, ठीक है, ये क्या करती है सर, जो प्लेटलेट का एग्रीगेट होता है थ्रोम्बस बनता है, जिसकी वजह से क्या नाम है सर इन्फेक्शन हो सकता है, उसको सर कम कर देती है, चांसेस को सर कम कर देती है, लेकिन याद रखना एस्पिरिन के ऊपर कोई पेशेंट होगा वो ब्लीडिंग के अंदर चेक करेगा, वो कि उसको प्रोन हो जाएगा सर ब्लीडिंग के लिए, ठीक है, तो ब्लीडिंग की जो भी प्रिकॉशंस रखे जाएंगे उसके अंदर कि भाई क्या नाम है ब्लीडिंग नहीं होने देंगे ना, उसको ऐसी एक्टिविटीज करने देंगे, ठीक है। ये कॉमन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि एक पेशेंट एस्प्रिन के ऊपर है तो आप एक नर्सिंग ऑफिसर कैसे उसको क्या नाम है जांच करेगा, तो सर ओबीसी बात है उसको सर ऐसी एक्टिविटीज नहीं होने देगा कि भाई जो रफ एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से खून वगैरह निकल सकता है, इंजरी हो सकती है, ट्रोमा हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट करवाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में सर एस्प्रिन हो जाता है, एस्प्रिन के बाद में क्या नाम है पास में थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दी जा सकती है सर, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। अब आप बोलोगे कि क्या नाम है सर, मुझे तो नहीं पता सर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होती है, नाम है मैंने पहले बार सुना है, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स अपने पास में दो होती है मेन, पहली तो होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज और सेकंड वन इज यूरिकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरिकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड सर यूरिकाइनेज, ठीक है, ये याद रखने का बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, और क्या नाम है बहुत जगह और भी है ये काम आपके, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरिकाइनेज भी दिया जा सकता है। और आखिरी के अंदर जो इसकी दो और बसते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है सर, वो होती है क्या नाम सर अपने पास में सर, ए स्टैंड फॉर सर एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग होते हैं दो ना, एंटी प्लेटलेट नहीं, एंटी कोगुलेंट, सॉरी एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलिन ड्रग्स कौन से होती है सर, देर आर ओनली मेजर टू एंटी कोगुलिन ड्रग्स, फर्स्ट वन इज हिपेरिन एंड द सेकंड वन इज वॉरफ्रिन। हिपेरिन क्या होता है और वॉरफ्रिन क्या होता है, ये एक दो ऐसी ड्रग है जो हर सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी के अंदर, सीवीएस के अंदर, न्यूरोलॉजिकल के अंदर, कहीं हेड इंजरी के अंदर, हर जगह के नाम इनका यूज होता है, तो आप इनको जरूर याद रख लेना। मैं इसके अंदर सिर्फ एक मिनट और लेना चाहूंगा, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि सर हिपेरिन चलती है अपने पास में सर, हिपेरिन से रिलेटेड सबसे पहले पूछा जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिपेरिन, ठीक है, एक तो या तो हमेशा सबक्यूटेनियस दिया जाता है या फिर आईवी दिया जाता है,
कभी भी आयम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हिपेरिन के अंदर किसके ऊपर काम करती है सर, ये इंट्रेंसिक पाथवे के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर काम करती है सर, ये इंट्रेंसिक पाथवे के ऊपर काम करती है। और सर एपीटीटी टाइम चेक किया जाएगा इसके अंदर, क्या चेक किया जाएगा, कहना सर एपीटी टाइम चेक किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और प्रश्न कहना सर पास में हिपेरिन होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कहना सर पास में पल्मोनरी इंबोलिज्म की, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सर, पल्मोनरी इंबोलिज्म हो जाती है। अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक अनकॉन्शियस है, बेड के ऊपर गिरा हुआ है और सर और मतलब कि उसको कोई भी होश वोश नहीं है, तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है सर वो पल्मोनरी इंबोलिज्म होता है, हाइपर कैल्सीमिया स्टेट हो जाती है, जिसको ट्रीटमेंट के लिए अपने पास में ड्रग ऑफ चॉइस होती है हिपेरिन, ठीक है। और अपने पास में एक ड्रग और होती है, ये एपीटीटी टाइम चेक करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और सेकंड जो अपने पास में ड्रग होती है वो होती है सर अपने पास में सर वारफरीन होती है। सर जो वारफरीन होती है वो सर मैंने ये तो पढ़ लिया कि भाई ठीक है सर हिपेरिन हो गया, अब सर वारफरीन क्या होता है, सर वारफरीन के बारे में बताइए। तो सर वारफरीन के मतलब ये होता है कि हम सर ये खाली पीटी टाइम का चेक करते हैं इसके अंदर, पहली बात तो क्या नाम सर, ठीक है, 2, 7, 9, 10 जो अपने पास में फैक्टर्स होते हैं जो ब्लीडिंग के लिए स्टॉप करवाते हैं, अगर चोट लग जाती है तो उसके अंदर जो हेल्प होती है हेल्प करता है, और 2 साल में 2 सर इसको इनहिबिट कर देती है। सर ये क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा के द्वारा, तो सर बच्चे के अंदर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसके अंदर ये कभी भी नहीं दी जाती है। हिपेरिन को प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर दिया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, वो कभी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, बट ये वारफरीन क्रॉस कर देगी प्लेसेंटा को, ठीक है। और जो नेजल सेप्टम यानी कि बच्चे की नाक नहीं बनेगी ढंग से, एबनॉर्मल हो जाएगी अगर वारफरीन कोई पेशेंट कोई प्रेग्नेंट वीमेन ने ले ली है तो, ठीक है। तो क्या नाम है सर, ये होती है वारफरीन इसकी, ठीक है। तो वारफरीन की इसकी क्या नाम है, एपीटी टाइम चेक, एपीटी टाइम चेक करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर ये काम करती है, वो इंट्रिंसिक ऊपर काम करती है बस। और द लास्ट वन इज सर स्टूल सॉफ्टनर होती है। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर अपने पास में क्या नाम है, क्या होता है, क्या नाम है सर, स्टूल सॉफ्टनर के अंदर अपने पास में सर ये होता है कि नाम सर अगर कोई बाउल मूवमेंट खराब हो जाता है, अगर कोई पेशेंट एमआई का आ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, टेंशन हो रही है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन कुछ भी हो सकता है, तो उसको रिलीव करवाने के लिए पास में क्या दिया जाता है सर, उसको रिलीव करवाने के लिए अपने पास में सबसे पहले स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है। एक याद रख लेना, वैसे जनरली हो भी सकता है नहीं हो सकता है, पर ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट होता है ये, कौन सा होता है सर, लैक्टुलोज होता है, ठीक है सर, लैक्टुलोज नाम का होता है सर। ये इजीली पेशेंट के जो बाउल मूवमेंट्स को सर रिलीव करवा देता है सर, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डायरिया हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको सर अपने पास में हेल्प करता है उसके अंदर एक्सक्रीट आउट डिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो सर ये हो गया अपने पास में, तो मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये था सर कंप्लीट एमआई। आई होप कि अगर आपको इसको समझ में आया होगा ये कि सर इसके अंदर क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं। इसी के चलते एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूं मैं आपको, अगर ये वीडियो इधर तक देखे तो सिर्फ 2-3 मिनट और लगेगी, जिसके अंदर आपको मैं एक इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन उससे पूछ जाते हैं कौन से होते हैं, वो होता है सर हाइपरकैलेमिया, यानी कि क्या नाम है सर, पोटासियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, हाइपरकैलेमिक स्टेट हो जाती है, पोटासियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए उनको कौन से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कौन से सर प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, तो उसको मैं आपको बता देता हूं, देखना उसकी भी सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ आप उसको याद रख लेना और आप कभी नहीं बोलोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, ये भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला होता है क्या नाम सर, ट्रीटमेंट के अंदर इसका क्या लिया जाएगा सर, काइन लिया जाएगा, ठीक है, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है, हाइपरकैलेमिया की ट्रिक होती है, इसको ट्रिक सही करने की मतलब कि भाई कैसे कैसे होता है, तो सर कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो इसका एंटीडोट होता है पोटासियम का, वो होता है सर अपने पास में सर पोटासियम सॉरी कैल्सिलेट होता है, क्या होता है नाम सर, कैल्सिलेट दिया जाता है अपने पास में, इसका जो केमिकल नेम होता है सर वो होता है सर सोडियम पॉलीस्टीरीन, ठीक है सर, सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट होती है अपने पास में सर, ठीक है। अगर आजकल पहले तो क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो तो सर डायरेक्ट पहले कैल्सिलेट लिखा हुआ था, आजकल ये कैल्सिलेट लिखा हुआ नहीं आता है, सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, सबसे पहले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाला ये पॉइंट है, लिख लेना इसको। देन द सेकंड वन इज सर अपने पास में इंसुलिन दिया जाएगा, अब सर मुझे ये बताओ कि सर इंसुलिन ये क्यों दे जाएगा और कुछ नहीं, सर क्या होता है कि सर इंसुलिन क्या होता है, ग्लूकोज को एक सेल के अंदर ले जाने का काम करता है, बदले में सर जो अपने पास में ग्लूकोज को तो लेके जाता है लेकिन सर जो सेल होता है सर वो अंदर उसके अंदर पोटासियम रहता है, तो वो बदले में पोटासियम को इंटरचेंज कर देता है और सर ग्लूकोज को अंदर ले देता है, तो सर इंसुलिन प्लस में ग्लूकोज दिया जाता है सर, ठीक है। देन तीसरे नंबर पे क्या नाम है सर, अगर ये नहीं होगा ये तो कंफर्म होगा ही होगा, तो ये दोनों चीजें तो याद रख लेना कभी नहीं भूलना। एंड द तीसरे नंबर पर क्या नाम सर, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है अपने पास में, ठीक है सर, तो ये होता है अपने पास में क्या नाम है NaHCO3 होता है, ये भी दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और चौथे नंबर होता है सर डायुरेटिक्स होता है, सर डायुरेटिक्स से रिलेटेड
अगर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं, डायुरेटिक्स भी इसके अंदर दिया जा सकता है सर, ये हाइपोकैलेमिया करवा देता है, यानी कि हाइपरकैलेमिया स्टेट हो रही है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको पोटेशियम को बाहर निकालने के अंदर अपने पास में डायुरेटिक दिया जाता है। डायुरेटिक्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, 5-7 होते हैं, लेकिन जब से मेन जो डायुरेटिक होता है वो होता है क्या नाम है सर, फुर्सियोमाइड, ठीक है। ये क्या करवाता है सर, एक्सेसिव जो बॉडी रिटेंशन करती है वाटर का, फ्लूड का अपनी बॉडी के अंदर, उसको एक्सक्रीट आउट करवा देता है किडनी के द्वारा। तो फुर्सियोमाइड को याद रख लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। अगर इसके मैं 2-4 बातें और बता देता हूँ फुर्सियोमाइड के बारे में। फुर्सियोमाइड अगर किसी पेशेंट के चल रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो क्या नाम है सर, ये रैपिड एक्टिंग होते हैं, 5 से 15 मिनट के अंदर काम कर देता है। अगर आपने आईवी दिया जब, तो क्या नाम है, 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर। अगर क्या नाम है आईएम दिया है, तो अपने पास में 20 से 30 मिनट लगते हैं। और अगर क्या नाम है आपने ओरली दिया है, तो 30 से 40 मिनट लग जाते हैं उसको डायबिटिक फेज के अंदर आने के लिए, ठीक है। प्लस में क्या नाम सर, ऑस्टियोपोरोसिस करवा देता है। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से फुर्सियोमाइड ले रहा है, तो सर उसकी ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब सर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पेशेंट फ्रैक्चर से ससेप्टेबल हो जाएगा, कभी भी गिर सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो उस क्या नाम है कंडीशंस को क्या नाम है ठीक करने के लिए क्या नाम है, या फिर वो कॉम्प्लिकेशंस इसके, ठीक है। तो ये होते सर इससे रिलेटेड मेजर थी कि भाई डायबिटीज के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, कि भाई क्या नाम है सर फुर्सियोमाइड होता है, एक मैनिटोल नाम का भी होता है सर डायबिटीज, वो अपने पास में आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले यूज किया जाता है, ओसमोलैरिटी बढ़ा के तब उसको बाहर निकाला जाता है, किसके द्वारा, एक्सेसिव फ्लूड को, और जो आईसीपी के अंदर यूज हो जाता है एडिमा जो अपनी बॉडी के अंदर हो जाता है, एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाती है बॉडी की, तो उसके अंदर मैनिटोल यूज किया जाता है, इसके अंदर सर फुर्सियोमाइड यूज किया जाता है। तो ये था सबसे आसान इसी तरीके में कभी नहीं बोलने वाला मेथड, जो हेल्प करेगा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। आई होप कि मैंने आपको मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। रिलेटेड आपको कोई और कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ और पूछना हो किसी और आपको टॉपिक से रिलेटेड, पूरी बीएससी नर्सिंग में कहीं भी आपको कैसी भी परेशानी आती है, कंफ्यूजन से रिलेटेड आती है, तो आप मेरे को मेडिकल साइन नाम का इंस्टाग्राम है, पेज है, उसके ऊपर मेरे पास मैसेज कर देना, या फिर इस वीडियो के अंदर यूट्यूब के नीचे कमेंट कर देना कि सर मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सर मेरे को समझ में नहीं आती है, या फिर किसी से भी रिलेटेड कंफ्यूजन है, कोई साइन सिम्टम समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, ठीक है। और मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोशिश डालते रहता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसके अंदर मैं डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, और कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी होता है मेरे पास, वहां पे जाके बता सकते हो।